हाय गाय, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड राम राम। मैं विनोद सर, आपका करियर गाइड एंड मोटिवेटर स्पीकर, आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, आप सभी का जीनियस नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज थोड़ा सा मैंने चेंजमेंट किया है। आप YouTube पर जीनियस नर्सिंग क्लासेस चैनल को क्लिक करोगे तो मैंने वहां पे आपको क्लिक करोगे वीडियो मिलेगा, साथ में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट पे जाके आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज वीडियो को देख सकते हो। जैसे कि 15 मिनट आपने पढ़ लिया, अभी ब्लड पढ़ लिया, एंडोक्राइन सिस्टम अभी चल रहा है अपना, और जैसे जैसे सब्जेक्ट वाइज आपने पढ़े वहां पे प्लेलिस्ट के थ्रू आप वीडियो को देख सकते हो। बेनिफिट क्या रहेगा आपका, बेनिफिट ये रहेगा आपको इजी रहेगा, हाँ ये सिस्टम मेरा क्लियर हो गया, ये सिस्टम मेरा क्लियर नहीं हुआ है, तो वहां से आप डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट डायबिटीज इंसिपिडस। लास्ट लेक्चर के अंदर दोस्तों अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपको बताया था मैंने कि दो टाइप के हॉर्मोन है वो सीक्रेट करती है। कौन कौन से करती है दोस्तों? एक तो ADH पढ़ा था आपने फोर्थ लेक्चर के अंदर, दूसरा पढ़ा था ऑक्सीटोसिन। तो दोस्तों, आज अपने ADH हार्मोन का लेवल जब ज्यादा हो जाता है, जब ADH हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, उस बेस पे दो डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन डिसऑर्डर पढ़े दोस्तों, डायबिटीज इंसिपिडस। तो क्या होता है डायबिटीज इंसिपिडस दोस्तों, जानते हैं अपने डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस अगर देखें तो दोस्तों, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस इनसफिशिएंट ADH, हेंस द किडनी मेक ए लॉट ऑफ यूरिन। तो आपको मैंने बताया था दोस्तों फोर्थ लेक्चर के अंदर कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ADH हार्मोन सीक्रेट करती है, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन कब होती है दोस्तों, जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, लो क्वांटिटी के अंदर ADH हार्मोन का सीक्रेशन करना स्टार्ट कर देती है, तब अपनी बॉडी के अंदर डिजीज हो जाती है, वो डिजीज का नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर है दोस्तों? आपको ADH का फंक्शन बताया था मैंने फोर्थ वीडियो के अंदर। ADH का फंक्शन होता है रिटेंशन ऑफ वाटर किडनी के अंदर, जो DCT और कलेक्टिंग डक्टी वहां से रिटेंशन ऑफ वाटर और डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन करना होता था। और अब यहाँ पे आपको पता है डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर ADH की कमी होने की वजह से यूरिन आउटपुट क्या होता है दोस्तों, एक्सेस क्वांटिटी के अंदर यूरिन आउटपुट है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, डायबिटीज मीन्स एनी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाई एक्सेसिव यूरिन एक्सक्रीशन, एंड इंसिपिडस मीन टेस्ट लेस। नेक्स्ट है दोस्तों, एक्सेसिव यूरिनेशन होता है आपको फर्स्ट वीक के अंदर मैंने क्लियर कर दिया है। एक्सेसिव यूरिनेशन कॉज्ड बाय डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर यूरिन आउटपुट होता है, वो क्यों होता है दोस्तों अपने जानते हैं। फर्स्ट वन देखें तो इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन इन दी बॉडी, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन इन दी बॉडी, इसको बोलते हैं दोस्तों हाइपोथैलेमिक हाइपोथैलेमस है वो क्या नहीं करेगा, हाइपोथैलेमस प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर ADH सीक्रेशन नहीं करेगा, उस टाइप की कंडीशन क्या बोलते हैं दोस्तों, उस टाइप की कंडीशन बोलते हैं हाइपोथैलेमिक डायबिटीज इंसिपिडस। दूसरा, फेलियर ऑफ किडनी टू रिस्पॉन्ड टू एंटी डायबिटिक हार्मोन, जिसको बोलते हैं दोस्तों नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ये दोनों अपने टाइप अभी पढ़ेंगे, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज। दूसरी कंडीशन है दोस्तों कि एक्सेसिव यूरिन आउटपुट का क्या होता है, कई बार क्वांटिटी में तो ADH नॉर्मल होता है लेकिन किडनी की जो सेल्स है DCT और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वो ADH के खिलाफ रिस्पॉन्स नहीं करती है, ADH वहां पे प्रॉपर काम नहीं करता, और उस कंडीशन में भी एक्सेस क्वांटिटी के अंदर यूरिन आउटपुट है वो देखने को मिलता है। तो यही बात मैंने डाली यहाँ पर नीचे, किडनी ट्यूबुल्स फेल टू रीअब्सॉर्ब वाटर इन एब्सेंस ऑफ ADH। तो आप क्या होता है दोस्तों, ADH की क्वांटिटी अगर कम हो जाती है उस कंडीशन में किडनी ट्यूबुल्स का मतलब डिजिटल क्रोनेटिव और कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर नॉर्मली काम करता है, ADH वहां से वाटर का रीअब्सॉर्ब करवाता है, और अगर एब्सेंस ऑफ ADH होता है उस कंडीशन में किडनी ट्यूबुल्स फेल टू रीअब्सॉर्ब
वाटर इन द एब्सेंस ऑफ ए एरियल। तो यहाँ पे एक्सेस यूरिनेशन होने के तीन कारण बताए हैं दोस्तों। पहला कारण बताया कि हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, प्रॉपर क्वांटिटी में एडीएस सीक्रीज नहीं करता। दूसरा क्या होता है कि एडीएस तो सीक्रीज हो रहा है लेकिन किडनी है वो एडीएस के खिलाफ रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं दे पाती है। थर्ड वन होता है दोस्तों कि एब्सेंस ऑफ एडीएस की क्वांटिटी में वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता, एक्सेस क्वांटिटी के अंदर वाटर बॉडी से क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, और यही रीजन बड़ा है अपने एक्सेसिव यूरिनेशन का। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों टाइप ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। टाइप ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस देखें दोस्तों तो नॉर्मली फोर टाइप की होती है, लेकिन आपने नॉर्मली यहाँ पे पढ़े तो दो टाइप की पढ़ते हैं, लेकिन आज हमने कितने टाइप की पढ़े हैं, फोर टाइप की डायबिटीज इंसिपिडस पढ़े हैं दोस्तों। देयर आर फोर डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। फर्स्ट वन बोलते हैं दोस्तों सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, जिसको आपने अभी बोला है हाइपोथैलेमिक डायबिटीज इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। थर्ड वन है दोस्तों डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। फोर्थ वन है गेस्टेशन डायबिटीज इंसिपिडस। चारों के बारे में दोस्तों अपने अभी वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन है दोस्तों सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, जिसको क्या बोलते हैं हाइपोथैलेमिक डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या होता है दोस्तों सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस इज ए लैक ऑफ एडीएस प्रोटेक्शन इज ड्यू टू डैमेज ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस वेयर एडीएस इज प्रोड्यूस। क्लियर दोस्तों। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस कौन सी होती है, जहां पे क्या है हाइपोथैलेमस का प्रोटेक्शन हो रहा है, या जहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर हो रहा है वो क्या हो गई डैमेज हो गई है, उस कंडीशन में क्या हुआ एडीएस का क्या हो जाएगा दोस्तों, एडीएस की कमी हो जाएगी, लैक ऑफ एडीएस हो जाएगा। और किस टाइप की डायबिटीज इंसिपिडस बोले हैं, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस बोले हैं। सेकंड वन है दोस्तों नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है दोस्तों, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस इज ए लैक ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ किडनी टू द फ्लूइड कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ एडीएस। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर एडीएस तो प्रॉपर क्वांटिटी में आता है, लेकिन किडनी के अंदर क्या होता है किडनी उस एडीएस का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पाती, मीन्स किडनी के अंदर जो सेल्स होती है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पाती एडीएस का, और उस कंडीशन में क्या होता है एक्सेस क्वांटिटी में यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है। कैसे होता है ये, इट कैन बी ड्यू टू डिजीज ऑफ किडनी सच एज पॉलीसिस्टिक डिजीज। कौन सी कंडीशन में किडनी वो एडीएस हार्मोन के खिलाफ रिस्पॉन्स नहीं देती, जैसे कि पॉलीसिस्टिक डिजीज हो गई, सर्टेन ड्रग कोई पेशेंट है वो लिथियम ले रहा है या डीमेट्रोसाइक्लिन ड्रग्स से कंटिन्यू ले रहा है, उस कंडीशन में नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होने के चांस वो इंक्रीज हो जाते हैं, और इस कंडीशन में एडीएस के खिलाफ किडनी वो अपना रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं दे पाती है। और होता क्या है अगर रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं देगी तो एक्सेस क्वांटिटी के अंदर यूरिन क्या होगा दोस्तों एक्सक्रीट होगा। चारों टाइप के डायबिटीज इंसिपिडस को मैंने एक साथ बताया दोस्तों यहाँ पे। फोर टाइप ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर देखा आपने, फर्स्ट वन है न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक को बोला दोस्तों एल्सो नाउन एज सेंट्रल डायबिटीज या हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफिशियल। तो एक ही टाइप है दोस्तों और तीन चार नेम बताए हैं। तो फर्स्ट वन कौन सा था, अभी अपने पढ़ गया था सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, जिसको अपने हाइपोथैलेमिक बोला वही चीज मैंने डाली है दोस्तों। न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस इसको क्या बोला जाता है, इसको सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस बोला जाता है, इसी को ही हाइपोथैलेमिक डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, इसी को ही पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, और इसी को ही क्या बोलते हैं दोस्तों न्यूरो हाइपोफिशियल डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। किसकी वजह से होती है दोस्तों, कोस्ट बाय डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। एंटी डायबिटिक एटीएच को ही क्या बोलते हैं दोस्तों अपने, वैसोप्रेसिन बोलते हैं। सेकंड आपने पढ़ा था दोस्तों नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक को क्या बोलते हैं दोस्तों, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस एल्सो नाउन एज वैसोप्रेसिन रेजिस्टेंट डायबिटीज इंसिपिडस।
खोज किया दोस्तों यहाँ पे इसका by insensitivity of the kidney to effect of the antidiuretic या vasopressin. Antidiuretic और vasopressin hormone का क्या होता है दोस्तों, जो काम होता है वहां पे वो काम proper नहीं कर पाता है, उसकी sensitivity होती है वो बिल्कुल decrease हो जाती है और diabetes किस type की होती है, nephrogenic होती है, ऐसी कोई अपने बोलते हैं vasopressin resistant diabetes insipidus. थर्ड टाइप की अपने पढ़ते हैं दोस्तों गैस्ट्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं एल्सो नाउन एज गेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस. इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कॉज बाय डेफिशिएंस ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन दैट अकर ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर एनीमिया की कंडीशन हो जाती है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के पास प्रॉपर ब्लड नहीं जा पाता है, उस कंडीशन में एडीएस की कमी होती है वो स्लाइटली देखने को मिलती है. देन फोर्थ वन अपने देखते हैं दोस्तों डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस ए फॉर्म ऑफ प्राइमरी पॉलीडिप्सिस. क्लियर है दोस्तों. देन कॉज बाय अबनॉर्मल थ्रस्ट and the excessive intake of water or other liquid. तो क्या बात बोले दोस्तों इसने कि dyspogenic a form of primary polydipsiasis, मतलब एक person होता है जिसको बहुत ज्यादा excess quantity के अंदर क्या लगती है, thrush लगती है, और इस condition वो person क्या करता है, excess quantity water को intake करता है. और आपको पता है excess quantity के अंदर water को intake करेगा तो क्या होगा, urine output भी क्या होगा, excess quantity के अंदर होता है. तो इस type की diabetes के अंदर क्या होता है दोस्तों, किसकी वजह से होते हैं, एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर की वजह से होती है. कोज देखें दोस्तों डायबिटीज इंसिपिडस का, तो डायबिटीज इंसिपिडस का कोज फर्स्ट में रहता है हाइपोथैलेमिक इंजरी. हाइपोथैलेमिक इंजरी जैसे कि ब्रेन ट्रॉमा, स्ट्रोक या न्यूरोसर्जरी हो गया, उस कंडीशन में हाइपोथैलेमस प्रॉपर एडीएस का सीक्रीशन नहीं कर पाता है. सेकेंड है दोस्तों मेलिग्नेंट कैंसर और बेंजाइन नॉन कैंसर ट्यूमर ऑफ योर ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड. सिंपल सी बात बोली है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई ट्यूमर हो जाती है, उस कंडीशन में भी क्या होगा दोस्तों, डायबिटीज इंसिपिडस होने के चांस है. देन नेक्स्ट है दोस्तों किडनी फेल टू रिस्पॉन्स एडीएस. पिट्यूटरी ग्लैंड तो प्रॉपर सीक्रेट कर रही है लेकिन किडनी है वो इसका रिस्पॉन्स ही प्रॉपर नहीं दे रही है, उस कंडीशन में भी डायबिटीज इंसिपिडस होने के चांस है दोस्तों. नेक्स्ट है सर्टेन ड्रग लिथियम. लिथियम कैसे करता है डायबिटीज इंसिपिडस दोस्तों, आइए अपने जानते हैं. लिथियम इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस. क्लियर है दोस्तों, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस का मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है लिथियम, विच में अक्कर इन 10-15% ऑफ पेशेंट टेकिंग दी मेडिकेशन. क्लियर है दोस्तों, जब कोई पेशेंट लिथियम अगर ले रहा है तो उसके 10-15% चांस हो जाते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के. पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया डेवलप अप टू 40% and 20% ऑफ पेशेंट रिस्पेक्टिवली. द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस मे बी डिपेंडेंट ऑन द डोज एज वेल एज द ड्यूरेशन ऑफ लिथियम थेरेपी. तो यहाँ पे होता क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर लिथियम लेते हैं तो वही बात होती है, यहाँ पे किडनी क्या करती है, किडनी एडीएस हार्मोन के खिलाफ रिस्पॉन्ड देना धीरे धीरे क्या कर देती है, बंद कर देती है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलता है दोस्तों डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर, पॉलीयूरिया होगा, पॉलीयूरिया देखने को मिलता है, पॉलीडिप्सिया देखने को मिलेगा. अगर आपको पता है दोस्तों अगर पॉलीयूरिया होगा तो पेशेंट के डिहाइड्रेशन होने के चांस होते हैं. तो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन सच एज ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ दी स्किन देखने को मिलेगी. देन नेक्स्ट है दोस्तों डिक्रीज स्किन टर्गर देखने को मिलेगी. डिक्रीज स्किन टर्गर. टर्गर मीन्स क्या होता है दोस्तों, टर्गर मीन ए स्टेट ऑफ बींग रिजिड और फुलनेस सेल ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट. क्लियर है, तो डिक्रीज स्किन टर्गर देखने को मिलेगी. जैसे कि आपने यहां से फुस किया, अपनी तरफ स्किन को खींचा, वापिस नॉर्मल प्लेस पे जा रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं है. और जैसे स्किन को बिल्कुल खींचते हैं ऐसे नॉर्मल धीरे धीरे वापिस जा रही है, इसका मतलब स्किन टर्गर क्या हो गया, बिल्कुल लूज हो गई है
और इंडिकेट कर रही है आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है। जैसे कि ओल्ड एज के अंदर आपके दादी या दादाजी है उनको देखने को मिलता है स्किन लटक जाती है क्योंकि वहां पे भी डिहाइड्रेशन होने के चांस होते हैं। देन नेक्स्ट है दोस्तों लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या देखने को मिलती है दोस्तों, डिक्रीज देखने को मिलती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है नॉर्मल मैं बता चुका हूं आपको। देन हाइपोटेंशन देखने को मिलती है दोस्तों, एंड फैटिक देखने को मिलेगा पेशेंट के, क्या देखने को मिलेगा दोस्तों टेकीकार्डिया एंड साथ में हेडेक देखने को मिलेगा। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नॉर्मली पेशेंट के डायबिटीज इंसिपिडिस के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डायग्नोज इवैल्यूएशन के अंदर देखें तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 0.006 नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिसिटी कितनी होती है दोस्तों, नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है दोस्तों 1.016 to 1.026 होती है। और डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या जाती है दोस्तों, डिक्रीज देखने को मिलती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछने के चांस है। देन नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, चेक द लेवल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट इन यूर ब्लड। क्लियर है दोस्तों, तो यहां पे क्या होगा सोडियम का क्या होगा दोस्तों, सोडियम अभी मैंने बताया सोडियम का क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा दोस्तों यहां पे सोडियम का इंबैलेंस देखने को मिलता है, पोटेशियम का इंबैलेंस देखने को मिलता है। तो यहां पे ये भी अपने क्या करेंगे चेक करेंगे। मैनेजमेंट के अंदर बात करें दोस्तों डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर, तो डायबिटीज इंसिपिडस ट्रीटमेंट के अंदर बात करें तो अपने क्या लेते हैं दोस्तों, वेसोप्रेसिन लेते हैं जिसका ब्रांड नेम रहता है पिट्रेसिन। क्लियर है, ये एक एडीएस टाइप का हार्मोन होता है और क्लासिफिकेशन क्या है इसका हार्मोन और किस टाइप का, ये एंटी डायुरेटिक है। यूज किसके अंदर करते हैं दोस्तों वेसोप्रेसिन या पिट्रेसिन का यूज रहता है इसका ट्रीटमेंट ऑफ सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू डेफिशिएंट एंटी डायुरेटिक हार्मोन्स। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर इसका अपने यूज करते हैं। रूट क्या रहता है दोस्तों वेसोप्रेसिन का, आईएम सबकुटेनियस नेजल स्प्रे फॉर्म के अंदर आता है। नर्सिंग इंप्लीकेशन या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो क्या करते हैं दोस्तों, रिप्लेस फ्लूड सेलाइन एंड ग्लूकोज, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, चेक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, ऑब्जर्व इलेक्ट्रोलाइट एंड मॉनिटर, क्या करते हैं दोस्तों नर्सिंग के अंदर रिप्लेस फ्लूड सेलाइन एंड ग्लूकोज, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, चेक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन, ऑब्जर्व इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मॉनिटर एडवर्स रिएक्शन, एब्डोमिनल क्रैम्प, एंजाइना एंड एमआई। तो ये किसकी वजह से देखने को मिलता है दोस्तों, एब्डोमिनल क्रैम्प, एंजाइना, एमआई, सारे के सारे देखने को मिलेंगे दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होने की वजह से। तो ये दोस्तों नर्सिंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ जाता है। सेकेंड देखें दोस्तों इसका जो अभी मैंने बताया आपको डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर जो मोस्ट कॉमनली अपने यूज करते हैं यही करते हैं दोस्तों, एडमिनिस्टर वेसोप्रेसिन टेनेट, ये ड्रग आता है नॉर्मली। सेकंड आता है दोस्तों डेस्मोप्रेसिन एसिलेट, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों ट्रेड नेम रहता है इसका DDAVP, आपको दिख रहा है टू कंपनसेट ADH डेफिशिएंसी। तो ADH डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए दो टाइप के ड्रग और यूज करते हैं, एक का नाम है वेसोप्रेसिन टेनेट, दूसरे का नाम है दोस्तों डेस्मोप्रेसिन एसिलेट जिसका ट्रेड नेम होता है DDAVP, और ये आपको दिख रहा है दोस्तों डायग्राम के अंदर। क्लियर है, देन नेक्स्ट है दोस्तों मॉनिटर ADH डेफिशिएंसी, फ्लूड वॉल्यूम, इनटेक एंड आउटपुट, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट फॉर एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड हाइपोवोलेमिक हाइपोटेंशन। तो ADH के अंदर अपने क्या करते हैं दोस्तों, ADH की डेफिशिएंसी को मॉनिटर करते हैं, फ्लूड वॉल्यूम को मॉनिटर करते हैं, इनटेक आउटपुट को मॉनिटर करते हैं, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को मॉनिटर करते हैं, वेट इसलिए चेक करते हैं फॉर एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड हाइपोवोलेमिक हाइपोटेंशन को अपने क्या करते हैं दोस्तों मॉनिटर करते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी है दोस्तों अपने कि यहां पे अपने क्या करेंगे डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर अवॉइड डायुरेटिक इज एडमिशन। डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर दोस्तों अपने डायुरेटिक का वो यूज नहीं करेंगे, जैसे कि लॉसिक्स हो गया, फ्लूसिमाइड हो गया, यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में ऑलरेडी यूरिन आउटपुट है वो इंक्रीज देखने को मिलता है और डायुरेटिक आप देखो तो और ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होने के चांस है वो इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों डिफरेंस बिटवीन
डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिटस अभी नहीं पढ़ा दोस्तों, अपने अभी पेनक्रियाज ग्लैंड पढ़ेंगे तो वहां पे मैं डायबिटीज मेलिटस कराऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस अपने यहाँ पे दोनों के बीच में जान लेते हैं। डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, डायबिटीज मेलिटस के अंदर शुगर डायबिटीज होती है, मतलब शुगर का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है, और यह डायबिटीज इंसिपिडस में किस टाइप की होती है दोस्तों, वाटर डायबिटीज होती है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, डायबिटीज मेलिटस के अंदर किस टाइप का यूरिन देखने को मिलता है, स्वीट यूरिन देखने को मिलता है, और डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर किस टाइप का देखने को मिलता है दोस्तों, ब्लेंड पैल एंड इंस्पाइड यूरिन देखने को मिलता है। यहाँ पे डायबिटीज मेलिटस के अंदर आपको पता है दोस्तों, इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाज कंट्रोल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन काम करता है, और डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर क्या होता है दोस्तों, वैसोप्रेसिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड रेगुलेट बॉडी वाटर रिटेंशन। तो ये बात बताइए दोस्तों, डायबिटीज मेलिटस किसकी वजह से होती है, इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और डायबिटीज इंसिपिडस होती है वो वैसोप्रेसिन या एडीएच की डेफिशिएंसी से होता है। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करना, और वैसोप्रेसिन का काम होता है बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन मेंटेन करना। क्लियर है दोस्तों। सिमिलरिटी क्या होती है दोनों के अंदर थोड़ी सी देखें, एक्सेसिव थ्रस्ट होती है मोर इन इंसिपिडस डिपेंडेंट ऑन हार्मोन फॉर कंट्रोल। तो एक्सेसिव थ्रस्ट होती है दोनों कंडीशन के अंदर वो देखने को मिलती है। सेकंड डिसऑर्डर है दोस्तों, अपने अभी पढ़ा डायबिटीज इंसिपिडस डेफिनेशन, इसका कोज, इसके साइन सिम्टम, डायग्नोज इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट और दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा है। अब अपने पढ़ रहे हैं दोस्तों सेकंड डिसऑर्डर, पहला पढ़ा था डायबिटीज इंसिपिडस जिसके अंदर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती थी। अब अपने सेकंड पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों एसआईएडीएस, जिसके अंदर होता क्या है, एसआईएडीएस के अंदर अब एडीएच हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज देखने को मिलता है, मींस हाइपर सीक्रेशन यहां पे देखने को मिलता है। तो एसआईएडीएस को क्या बोलते हैं दोस्तों, सेकंड डिसऑर्डर है पोस्टियर पिट्यूटरी ग्लैंड का रिलेटेड टू एंटी डायुरेटिक हार्मोन सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायुरेटिक हार्मोन, जिसको अपने सिंपल फॉर्म में बोलते हैं एसआईएडीएस। फर्स्ट की पॉइंट देखें दोस्तों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो नाउन एज सैक्स-वाट्स-बार्टर सिंड्रोम ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन ऑफ एडीएच। तो आपको पता है एसआईएडीएच को क्या बोलते हैं दोस्तों, सैक्स-वाट्स-बार्टर सिंड्रोम भी बोलते हैं, और किसकी वजह से होता है ये, हाइपर सीक्रेशन ऑफ एडीएच की वजह से होता है। एसआईएडीएच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1957। कोज की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो कोज क्या होता है इसका, इंफेक्शन मेनिंजाइटिस एंड इंसेफेलाइटिस ऑफ द ब्रेन। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में थोड़ा सा एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर एडीएच का सीक्रेशन हो जाता है, या मास या ब्लड ट्रॉमा, सबरेक्नोइड हेमरेज, सबड्यूरल हेमेटोमा, हाइड्रोसिपेलिस की कंडीशन है, इस कंडीशन में भी क्या होता है दोस्तों, एडीएच का सीक्रेशन होता है, वो हाइपोथैलेमस या पोस्टियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक्सेस क्वांटिटी के अंदर देखने को मिलता है, और कंडीशन कौन सी हो जाती है, एसआईएडीएच हो जाती है। अब आपको पता है दोस्तों, एडीएच का लेवल ज्यादा हो रहा है तो एडीएच के फंक्शन पे जाना है, अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको समझना है। तो अगर फोर्थ वीडियो आपने नहीं देखा तो फोर्थ वीडियो देख लेना, नहीं देखा तो यहाँ पे मैं क्लियर करवा देता हूँ। एडीएच का फंक्शन होता है दोस्तों, वाटर का क्या करना, किडनी के अंदर से रीअब्सॉर्प्शन करवाना, मींस रिटेंशन करवाना। दूसरा होता है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, एसआईएडीएच के अंदर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर हो रहा है, तो एक्सेस क्वांटिटी के अंदर हो रहा है तो यूरिन आउटपुट कम देखने को मिलेगा, और अपनी बॉडी के अंदर क्या होगा, वाटर का ओवरलोड होने लग जाएगा, ओवर मतलब वाटर का लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा कि अब एडीएच का लेवल ज्यादा है तो किडनी से क्या करेगा, ये वाटर का ज्यादा से ज्यादा क्या कराएगा, डिजिटल कॉर्नियल ट्यूब और कलेक्टिंग ट्यूब से रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा, और बॉडी के अंदर वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो फ्लूड ओवरलोड है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। सेकेंड क्या होगा दोस्तों, नेक वेन डिस्टेंशन होगा, इस ये भी किसकी वजह से होता है दोस्तों, फ्लूड वॉल्यूम ओवरलोड होने की वजह से, और ज्यादा फ्लूड वॉल्यूम होने की वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी, पेशेंट का वेट गेन भी देखने को मिलेगा, पेशेंट के डिलीरियम जैसी कंडीशन है, क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियस जैसी कंडीशन है वो देखने को मिलेगी, और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है दोस्तों, हाइपोनेट्रेमिया एंड एडिमा देखने को मिलेगा, दैट इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम
क्वेश्चन, हाइपोनेट्रेमिया कैसे होता है दोस्तों, कि देखो जैसे कि अपनी बॉडी के अंदर सपोज करो कि 3 लीटर नॉर्मल एडीएस सीक्रेशन होता है, 3 लीटर सपोज करो कि वाटर है। अब क्या होता है एडीएस की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, 3 लीटर के अंदर सपोज करो कि सोडियम था 135 से 145 एमक्यू पर लीटर था। अब सोडियम तो उतना ही है लेकिन बॉडी के अंदर वाटर 3 से 4 लीटर 5 लीटर जाने लग गया, तो कंपेरिजन वाटर और सोडियम के करें तो वाटर का लेवल बढ़ रहा है लेकिन सोडियम का लेवल नहीं बढ़ रहा। इसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, अपनी बॉडी के अंदर हाइपोनेट्रेमिया वो देखने को मिलता है एंड एडिमा देखने को मिलेगा। सेल एंड टिश्यू के अंदर वाटर का कलेक्शन होना क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कंपिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन। पेशेंट क्या करता है दोस्तों, रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन वो फील करता है। तो ये तो सिंपल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे। मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों, यहां पे मैनेजमेंट क्या होता है एसआईडीएच का, एसआईडीएच का मैनेजमेंट होता है दोस्तों एडमिनिस्टर्ड डायूरेटिक। पेशेंट को क्या करते हैं अपने डायूरेटिक का वो प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि एक्सेस क्वांटिटी के अंदर बॉडी के अंदर जो फ्लूड है वो यूरिन के साथ है बाहर निकल जाए। नेक्स्ट है दोस्तों एडमिनिस्टर डीमेक्लोसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, टेट्रासाइक्लिन टाइप एंटीबायोटिक, इट इंटरफेयर विद द एक्शन ऑफ एंटीडायरेटिक एट द रीनल कलेक्टिंग डक्ट। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, पेशेंट को डीमेक्लोसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट देते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में आता है और क्या करती है ये सेल एंड टिश्यू है जो किडनी की मीन से डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है वहां से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होने देगी और रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी बॉडी के अंदर जो फ्लूड वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है वो क्या हो जाएगा धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। ये तो सिंपल से मैनेजमेंट है दोस्तों इसका। तो आपको अभी तक क्या पढ़ लिया अपने, अपने डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ लिया, अपने पढ़ लिया एसआईएडीएच। द लास्ट वाला टॉपिक है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा देखें तो अपने, डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलिटस, दोनों को मैं साथ में आपको क्लियर करवा दिया ताकि आपके किसी भी एंगल से कंफ्यूजन ना रहे। डायबिटीज इंसिपिडस और एसआईएडीएच, तो डायबिटीज इंसिपिडेशन किसकी वजह से होता है दोस्तों, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएस की वजह से। और एसआईएडीएस किसकी वजह से होता है दोस्तों, एसआईएडीएस होता है हाइपरसिक्रेशन ऑफ दी एडीएस। पहली बात क्लियर होगी। सेकंड है दोस्तों डायबिटीज इंसिपिडेशन के अंदर हाई यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है और एसआईएडीएस के अंदर क्या होता है लो यूरिन आउटपुट मिलता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ओवर लोड फ्लूड होता है। किसकी वजह से होता है जो बात मैंने पहले बताई थी, लो लेवल ऑफ एडीएस की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है, हाई लेवल ऑफ एडीएस की वजह से एसआईएडीएच होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हाइपरनेट्रेमिया देखने को मिलता है दोस्तों क्योंकि बॉडी के अंदर से वाटर एक्सेस क्वांटिटी में निकल जाता है लेकिन सोडियम की क्वांटिटी उतने ज्यादा एक्सक्रीट नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे क्या होता है हाइपरनेट्रेमिया होता है डायबिटीज इंसिपिडस में। और एसआईएडीएच के अंदर क्या होता है दोस्तों, हाइपोनेट्रेमिया होता है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रिपीटेड है। डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर दोस्तों क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस में डिहाइड्रेशन होने के चांस होते हैं और एसआईएडीएच के अंदर ओवर हाइड्रेट होने के चांस होते हैं। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, डायबिटीज इंसिपिडस में लूज टू मच फ्लूड मतलब एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होता है और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, रिटेन टू मच फ्लूड अपनी बॉडी के अंदर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर क्या होता है फ्लूड का कलेक्शन होता है। तो ये मैंने दोस्तों आपको डायबिटीज इंसिपिडस और एसआईएडीएच वो कंप्लीट करवा दिया है। आशा करता हूं आपको वीडियो वो अच्छा लगा दोस्तों। जब भी वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक करना भी ना भूलिए और अपने जितने भी नर्सिंग फ्रेंड है उनको भी आप शेयर करना ना भूलिए ताकि सबका बेनिफिट हो सके। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।